नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है द वीडियो इंटरव्यू टिप्स। देवी सज्जनों, वीडियो इंटरव्यू टिप्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू टिप्स भी कहा जाता है, यानी कि वीडियो इंटरव्यू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू, ये एक ही चीज है। आजकल हायरिंग में नए तरह के ट्रेंड्स चलने शुरू हो गए हैं। जो कैंडिडेट जिसे नौकरी लेनी है वो कहीं और बैठा हुआ है, और जिसे नौकरी देनी है वो किसी और शहर में है, उसकी कंपनी किसी और शहर में है। कई बार किसी जॉब रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हम फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं ले सकते, और भी बहुत से कारण होते हैं। इंडस्ट्री में वर्कफ्लो बहुत टाइट होता है, जिसकी वजह से हम फेस टू फेस इंटरव्यू लेने के लिए सक्षम नहीं होते, या तो हमारे पास समय नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर हमें अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हायर करने हैं तो हम वीडियो इंटरव्यू का सहारा लेते हैं। वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से एक फेस टू फेस जैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, और इसके माध्यम से दूर बैठा एचआर आपका इंटरव्यू ले सकता है और उसके बिहाफ पे आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हेल्प से आजकल लॉन्ग डिस्टेंस इंटरव्यू लेना बहुत पॉसिबल हो चुका है। इतना इजी हो चुका है कि आप देश के या विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, और आपको विश्व के या देश के किसी भी कोने से कोई कैंडिडेट हायर क्यों ना करना हो, वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू के माध्यम से आप एप्रोप्रिएट कैंडिडेट हायर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर रहता है जैसा कि फेस टू फेस इंटरेक्शन के दौरान रहता है, क्योंकि एचआर और कैंडिडेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन वीडियो इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम एक सक्सेसफुल वीडियो इंटरव्यू एंश्योर कर सके। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज इन्हें देखिए। अब यहां सबसे पहला नियम कहता है टेस्ट योर टेक्नोलॉजी। जाहिर से बात है, आप किसी टेक्निकल डिवाइस के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू ले रहे हैं। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं, जिसके अंदर मेजरली जो मेजर प्लेयर है वो है पॉलीकॉम। पॉलीकॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज अब काम कर रही हैं। सिर्फ इंटरव्यू लेने के माध्यम में ही नहीं, बल्कि कंपनी अपने इंटरनल और टास्क भी जो करना चाहती है वो पॉलीकॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से बहुत इजीली कर पाती है। इस फील्ड में सिस्को और बाकी सारी कंपनीज भी हैं, लेकिन मेजर प्लेयर पॉलीकॉम है। तो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस की हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस बैठे हुए लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है चार्ज इट अप, यानी कि ये बात आपको पहले से इंश्योर कर लेनी है कि आपका डिवाइस फुली चार्ज्ड हो। अगर आपका डिवाइस फुली चार्ज्ड नहीं है तो इंटरव्यू लेते वक्त स्क्रीन ब्लैकआउट हो सकती है, और ये एक बैड रेप्यूटेशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए सारे इक्विपमेंट फुली चार्ज होने चाहिए। तीसरा और सबसे क्रूशियल पॉइंट है नो ऑल फीचर्स, यानी कि आपको उस टेक्नोलॉजी के सारे फीचर्स पता होने चाहिए। आप कैसे कनेक्ट करेंगे, उसकी साउंड क्वालिटी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई दिक्कत हो जाए और इंटरव्यू बंद पड़ जाए, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही चेक कर लेनी है, क्योंकि जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और तब कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आएगी तो ये एक बैड इमेज क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन की कैंडिडेट्स के सामने। इसलिए शुरू करने से पहले अपने डिवाइस के सारे फीचर्स को ध्यान से देख लें। चौथा पॉइंट कहता है अराइव अर्ली। ये पॉइंट दोनों व्यक्तियों के लिए वैलिड है, वो व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा है और वो व्यक्ति जो इंटरव्यू देने आया है। जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो पहले से ही आके अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस को प्रॉपरली चेक कर सके कि क्या सारी चीजें व्यवस्थित हैं या नहीं। जिस कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू होने वाला है उस कमरे को पूरी तरह से व्यवस्थित कर ले, क्योंकि जब इंटरव्यू शुरू होगा
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन के माध्यम से कैंडिडेट सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि उस पूरे रूम के सेटअप को भी देख पाएगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए जो रूम का सेटअप है वो हाईली प्रोफेशनल होना चाहिए, और ये आप तभी इंश्योर कर सकते हैं जब इंटरव्यू के एक दो घंटे पहले आप आके सारी चीजें व्यवस्थित कर लें। और यही चीज कैंडिडेट के ऊपर भी लागू होती है, वो आके पहले ही अपनी सारी सेटिंग देख ले, अपने रिज्यूम को प्रॉपरली अपने सामने रख ले और अपने ड्रेसअप के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे ले ताकि जब इंटरव्यू शुरू हो तो कोई दिक्कत ना हो। पांचवा पॉइंट कहता है ड्रेस वेल। अब किसी भी तरह के फेस टू फेस इंटरव्यू में भी हम ये बात कहते हैं कि आपका ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड आपका सबसे पहला इंप्रेशन क्रिएट करता है एचआर के सामने। आपकी टेक्निकल स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बाद में काउंट होती हैं। अगर पहले ही आपके ड्रेसिंग सेंस की वजह से आपकी रेपुटेशन डाउन हो गई तो एचआर पहले ही मूड बना लेगा यार जैसे तैसे इंटरव्यू निपटाओ, इसे लेना तो है नहीं, क्योंकि इसका बैड ड्रेसिंग सेंस देखते ही मुझे पता लग रहा है कि ये अपने काम के प्रति सीरियस व्यक्ति नहीं है। जब आप बैड ड्रेसिंग सेंस फॉलो करते हैं, प्रोफेशनल ड्रेसअप फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड बहुत कैजुअल है और आप सीरियसली इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपके लिए एक फन है। इसलिए प्रॉपर ड्रेसअप होना जरूरी है, और ये बात माइंड में बिल्कुल ना रखें क्योंकि ये फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाला इंटरव्यू नहीं है, इसलिए ड्रेस कोड का कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू में भी ड्रेस कोड का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना एक्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू में पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरा व्यक्ति आपको टेक्निकल माध्यम से देख रहा है, दूर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आपके फेस टू फेस है। छठा पॉइंट, आई कॉन्टैक्ट इज मस्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू के दौरान भी आपको एचआर से आई कॉन्टैक्ट बनाना है। एक बड़ी स्क्रीन पे एचआर बैठा होगा, आपको साफ दिख रहा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ऐसी स्थिति में भी आपको वही एटमोसफेयर क्रिएट करना है जैसा कि एक्चुअल फेस टू फेस इंटरेक्शन में होता है। एक्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू में हम कोशिश करते हैं कि एचआर के साथ हम प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। जब वो हमसे कुछ कह रहा हो, हम उनसे कुछ कह रहे हों, हमारा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रहे। आई कॉन्टैक्ट से ये पता लगता है कि आप सामने वाले की बातों को फुली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर फुली फोकस कर रहे हैं। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू में आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते तो एचआर इस चीज को नेगेटिवली लेता है और वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ एक माध्यम है दूर बैठे लोगों को जोड़ने का। जब स्क्रीन के माध्यम से हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसा कि फेस टू फेस इंटरव्यू में हम फेस करते हैं। ये एग्जैक्टली फेस टू फेस इंटरव्यू है, बस माध्यम अलग है, इसलिए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना जरूरी है। सातवां पॉइंट कहता है प्रोजेक्ट एंड पॉज। प्रोजेक्ट एंड पॉज का क्या मतलब है? यह प्रोजेक्ट का मतलब यह है यू हैव टू प्रोजेक्ट योर वॉइस। आपकी आवाज इतनी लाउड होनी चाहिए कि सामने वाले को प्रॉपरली आपका एक एक शब्द समझ में आ जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू में यह बात खास तौर पे ध्यान देनी है, आवाज की लाउडनेस इतनी हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि ये टेक्निकल मोड है कनेक्ट होने का, कई बार दिक्कतें आती हैं, वॉइस जिटर्स होते हैं। इसलिए बेहतर है कि आपकी ओरिजिनल वॉइस इतनी लाउड हो कि सामने वाला उसको प्रॉपरली समझ सके, इसलिए एक लाउड वॉइस होना बहुत जरूरी है। पॉज का मतलब यह है कि दो सेंटेंसेस के बीच में आप गैप रखेंगे। एचआर कोई सवाल पूछ रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं, जवाब देते वक्त दो सेंटेंसेस के बीच में आप इतना गैप रखेंगे कि एचआर को आपके दोनों सेंटेंसेस प्रॉपरली समझ में आ जाएं। अगर आप लगातार बोलेंगे बिना पॉज किए तो एचआर कुछ नहीं समझ पाएगा, वो सोचेगा कि बस आप वैसे ही बोल रहे हैं, कुछ रटा रटाया बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम रटा रटाया बोलते हैं तो हम फ्लो में बोलते हैं, लेकिन जब हमें किसी चीज की नॉलेज होती है तो हम उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करके बोलते हैं, इसलिए पॉजेस बहुत जरूरी हैं। आखिरी पॉइंट कहता है क्लोज विद थैंक्स एंड अ पॉजिटिव इंप्रेशन। जब इंटरव्यू खत्म हो रहा हो, सारी बातें हो चुकी हो, तो आपको थैंक यू जरूर बोलना है एचआर को। अगर आप थैंक यू नहीं बोलेंगे तो ये एक बैड मैनर में काउंट होता है। एचआर ने कहा ओके नाउ द इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन प्लीज गो, आपको कहना है थैंक यू सर मैम, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। ये पॉजिटिव जेस्चर देना बहुत जरूरी है, ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर है।
ऐसा करने से आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन के साथ अपना इंटरव्यू छोड़ेंगे और एचआर भी पूरी सेटिस्फाइड होगा। तो देवियों सज्जनों, ये कुछ टिप्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू के। मैं चाहूंगा कि जब भी ऐसे इंटरव्यू सिचुएशंस को आप फेस करें, आप ये सारे टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करके आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू 100% सक्सेसफुल होगा और आप 100% सेलेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।